हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राशि राशि की रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं उपवास या व्रत की एक नई रेसिपी जिसका नाम है साबूदाना कचौरी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और करारी बनती है। तो चलिए अब हम इसे बना लेते हैं। लेट्स डू कुकिंग। मैंने यहाँ मिक्सी के जार में आधा कप कच्चा नारियल ले लिया है जो कि ताजा है। अब मैं डाल दूंगी उसमें एक चम्मच जीरा, एक चम्मच चीनी, एक चम्मच आमचूर पाउडर। आप अमचूर पाउडर उपवास में खाना पसंद नहीं करते होगे तो इसके जगह आप नींबू भी यूज कर सकते हैं। और यह है 3 से 4 हरी मिर्च और टेस्ट अनुसार नमक। अब हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। हमने इसको पीस लिया है। अब मैं इसे में मूंगफली का पाउडर डाल दूंगी 2 चम्मच और इसे मिक्सी में और एक बार चला लूंगी। हमारा स्टफिंग पीस के रेडी है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। हमारा स्टफिंग बहुत ही अच्छा बना है और ये खट्टा मीठा होता है तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ मैंने ले लिए आधा कप साबूदाना जिसको मैंने भिगो दिया था और 3 बॉईल किए हुए आलू ले लिए। हम इसमें मूंगफली का पिसा हुआ पाउडर डाल देंगे 2 चम्मच। यहाँ मैंने ले लिए जो हमारी हरी मिर्च होती है वो लाल हो गई थी तो मैंने उसी को ले लिया है 1 चम्मच। इसको भी मैंने मिक्सी में पीस लिया है। आधा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच चीनी, 2 चम्मच भर के साबूदाना का पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप इसे डाल सकते हैं। इसमें भी नमक डाल देंगे। अब हम इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये हमारा अच्छे से मिक्स होके हमने रेडी कर लिया है। चलिए अब हम कचौरी को स्टफ कर लेते हैं। यहां से मैंने उठा लिया है एक छोटा गोला अब मैं हमारा स्टफिंग भी ले लूंगी, इसमें डाल के इसे हम अच्छे से स्टफ कर लेंगे। हमें इसे अच्छे से स्टफ करना है। देखिए हमारी की स्टफ करके भर के रेडी है कितने अच्छे से। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। आपको छोटा चाहिए या बड़ा चाहिए आप उसके हिसाब से स्टफ कर सकते हैं। मैंने इसको भी रेडी कर लिया स्टफ करके और ये कितना इजी हो गया। अब मैं आगे के भी रेडी कर लेती हूँ।
हमारे इतने स्टफिंग से इतनी कचौरी बन के रेडी है। हम इनको शालो फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है अपम पैन। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा तेल। इसमें मैं ये हमारी कचौरी जो है उसे भी डाल दूंगी। अब मैं इनको शालो फ्राई कर लूंगी और इनको मैं ढक्कन लगा के शालो फ्राई करूंगी, क्योंकि ये बीच में अच्छे से पकनी चाहिए और इनको मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाने वाली हूँ। हम इनको सुनहरा होने तक पलट पलट के अच्छे से पका लेंगे। देखिए हमारी साबूदाना कचौरी शालो फ्राई बन के रेडी है। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी बनी है। मैंने इसको एक दही के साथ सर्व कर लिया है। अब मैं आपको एक फिर से दिखाती हूँ। यहाँ मैंने ले ली ये दही, कचौरी पे डाल दिया। यहाँ हमने जो मूंगफली की चटनी रेडी कर ली थी वो भी हम इसी के साथ डाल देते हैं और ऊपर से हम डाल देंगे भुना हुआ जीरे का पाउडर। और हम इस पे इसके ऊपर एक पिंच लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। देखिए ये कितना यम्मी और टेस्टी लग रहा है। आप भी इसे जरूर बनाइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।